Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. Hi, this is Sunil Pali here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। कांग्रेस की पुरानी आदत है, देखिए कांग्रेस के लिए मुसलमान वोट बैंक है, उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो भाई वोट बैंक है तो वोट देते रहो, बात खत्म करो, फिर परेशान काहे हो। कांग्रेस के लिए मुसलमान वोट बैंक है और आगे भी रहेगा, इसलिए कि भाजपा के खिलाफ ये भड़काते रहेंगे और भाजपा के खिलाफ भड़काते रहेंगे तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देते रहेंगे। तो आप वोट बैंक बन के बने रहिए। अपने आदरणीय विधायक दल के नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों को ध्यान में रख करके उन्होंने बड़ा ही सारगर्भित छोटा सा संक्षेप में अपना अभिभाषण सदन में रखा कि चुनाव आयोग ने जिले मान लिया है, उन्होंने मान्यता दे दी है। अब पूरी तरह से माननीय स्पीकर महोदय के खाते में यह विषय है और उनको डिसीजन करना है, वो आज करें चाहे कल करें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह नेता प्रतिपक्ष का डिमांड बाबूलाल जी कर रहे हैं इसलिए सदन अवरोधित हो, यह उन्होंने इस चीज को आज विराम दिया। और उनका है राज्य के अन्य मुद्दे भी हैं जिसके मुद्दे पर सदन में आना चाहिए, बहुत सारे नए विधायक चुन करके आए हैं, उनके विषयों को भी आना चाहिए और इस दिशा में उनका एक सकारात्मक पहल विपक्ष के रूप में उन्होंने अपना नेतृत्व दिया है। और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी और आदरणीय जो हमारे स्पीकर महोदय है उनको तो कुछ निर्देशित नहीं किया जा सकता, लेकिन आग्रह जरूर किया जा सकता है कि जितना जल्दी हो इस विषय का भी पटाक्षेप को अपने निर्णय से कर। व्यवस्था की गई है? नहीं, व्यवस्था तो कुछ नहीं है, प्रिकॉशन ही ज्यादा सब लोगों का मेजर्स लिए जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर यह एक महामारी की तरह और बहुत ही चिंताजनक स्थिति में इसको देखा जा रहा है, जिस तरह से इसका प्रसार हो रहा है कहीं ना कहीं चिंताजनक है। झारखंड में अभी तक भगवान की कृपा रही है, अभी तक कोई मामले नहीं आए, लेकिन देश के अंदर ऐसे मामले आ गए हैं, 800 ऊपर इसकी संख्या बताई भी जा रही है। तो सब मिलाकर के हम लोग यदि जो एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय से और किया गया है बिना पैनिक हुए, बिना किसी पर ज्यादा परेशान हुए, हमको यदि उस एडवाइजरी को गाइडलाइन को माने तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि इससे बचा संभव है। राज्यसभा चुनाव देखिए, अगर यदि आप मानेंगे तो आंकड़े दोनों ही के पक्ष में हैं। अब तीसरा यदि आता है तो उनके लिए आप अवसर बनाने का प्रयास करते हैं और अवसर जब बनाने का प्रयास करते हैं तो राजनीतिक खेमों में इसको हॉर्स ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। और निश्चित रूप से अगर आदरणीय संजीव जी ने यह विषय रखा है तो उनका सीधा ये संकेत होगा कि जो आंकड़े हैं और दोनों तरफ से एक एक सदस्य को राज्यसभा के सदन के लिए निर्वाचित होने का आंकड़ा है, अगर हम उसका पालन करें तो एक अच्छा संदेश भी आएगा और जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए झारखंड में बदना भी रही है उससे बचाव भी। और विशेष करके जो डीवीसी का कमांड एरिया है वहाँ वह मुश्किल 4-5 घंटे 6 घंटे बिजली रह रही है और यह एक बहुत जटिल समस्या है, बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। आखिर 2 महीने में ही जिस तरह से बिजली की हालत बदतर हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मुफ्त बिजली दूंगा, लेकिन ये मुफ्त बिजली नहीं दे रहे हैं, बिजली मुक्त झारखंड जरूर करने जा रहे हैं। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।